आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आया हूँ नंदगांव और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ नंद महल। नंद महल के बारे में सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कहा जाता है कि इस नगर को भगवान कृष्ण के पिताजी, जिनका नाम नंदराय था, उन्होंने एक पहाड़ी के क्षेत्र में इस गाँव को बसाया था। इसी वजह से उनके नाम पर इस गाँव का नाम नंदगांव रखा गया। गोकुल को छोड़कर नंदराय जी श्री कृष्ण और गोकुल के गाँव वालों को लेकर नंदगांव आ गए थे। नंदगांव मथुरा से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बरसाने से ये 8 किलोमीटर की दूरी पर है। नंदगांव भगवान कृष्ण का घर था, जहां वह अपने पिता नंद बाबा और माँ यशोदा के साथ 9 साल तक रहे थे। राजा कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों से भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए गांव के मुखिया नंद बाबा ने एक पहाड़ी के ऊपर घर बनवाया था। कृष्ण को मारने की कोशिश कर रहे राक्षसों के कारण हुई अशांति के कारण नंद बाबा और अन्य ग्वालों ने गोकुल से यहां जाने का फैसला किया। जिस पहाड़ी पर मुख्य मंदिर स्थित है उसे नंदीश्वर पहाड़ी कहा जाता है। भगवान शिव ने कृष्ण से उनकी दिव्य लीलाओं को देखने की प्रार्थना की और भगवान शिव द्वारा कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान कृष्ण ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। भगवान शिव ने उनसे कहा कि वे नंदगांव पर एक पर्वत बनाना चाहते हैं ताकि गोपियां उस पर कदम रखें, जिससे उनके पैरों की धूल उन पर पड़े। भगवान कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया और भगवान शिव नंदेश्वर पहाड़ी बन गए, जिस पर नंदगांव स्थित है। भगवान कृष्ण से जुड़े होने के कारण नंदगांव एक प्रमुख और पर्यटन स्थल है। यहाँ लठमार होली के अद्भुत त्योहारों को देखने के लिए हर साल हजारों लोग यहाँ होली खेलने और देखने आते हैं। तो चलिए अभी आपको मंदिर में रखी हुई भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन कराते हैं। इस मंदिर में आपको भगवान कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा माँ, बलराम और उनकी माता रोहिणी, इन सब की प्रतिमा यहाँ आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो आपको वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।